ये शिवायनम महाकाव्य जो है भगवान शिव की महिमा से, शिव की कृपा से ही लिखा गया। इसमें संपूर्ण जो है रामचंद्र जी के जीवन से लेकर के और उनके जो है साकेतो गमन तक का वर्णन इसमें है, और शिव जी के विवाह आदि का वर्णन श्लोकबद्ध जो है मैंने किया है। ये सब जो कुछ भी हुआ वो गौरी शंकर की कृपा से ही ये हो पाया है। इसमें जो है श्लोक जो है कई छंदों में, अनेक छंदों में ये रचे गए हैं, और उसका एक छंद का महत्व जो है दिया है। यहाँ प्रथम श्लोक में मृणानी शंकरौ वंदे सुंदरौ लोक कारणौ मयूर वाहनम चादौ भव्यम विघ्न विनाशनम ध्येयम पन्नक भूषणम शिवहरम मंदार पुष्प प्रियम दिव्यम देव नदी जटा विहरणम गौर्या सदा मानदम कैलाशे शिखरे मनोहर वने भव्यम सदा वासनम वंदेहम सुखदम शिवा विरचितम काशीपतिम शंकरम वंदेहम सुरदीर्घिका विलसनम संक्षिप्त भालम शिवम कंठे पन्नक पंक्तया शशिकला भाले शुभा मंगला यस्याग्रे च विराजते गणपते दंतद्वयी सुंदरः वामांके लसिता सदा शुभकरी गौरी परा पावनि ध्याये नित्यं महेशं गणपति पितरं पन्नगालंकृतं वं गौरीशं नीलकंठं सुरसरमणं काशिकासं प्रवासं भस्मांगं भस्मभूषं मृगपतिवसनं पार्वती संगसक्तं प्रोढे स्कंधं वरिष्ठं शिशुवर सुखदं क्रीडनैः क्रीडयन्तं वंदे शंकरपादयोः प्रतिदिनं पीयूष संक्षिप्तयोः रागद्वेषविकर्तयोः सुजन सुरजनान् लोकस्य संरक्षयो भक्तानां भवनाशिनो कलिमलप्रध्वंसिनो रक्तयो माया मत्सर भिन्नयो रमणयो आनंद विस्तारयो। इस प्रकार से अनेक छंदों से ये जो है श्लोकबद्ध जो है किया गया है। सब ये जो है इसे पढ़ने से और इसके ऊपर जो है पुष्प रखने से भगवान शंकर और गौरी मैया जो है प्रसन्न रहती हैं।